यशोमती मैया के नंदलाला। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा, अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। भगवान तो भक्त के पास आने के लिए सदैव ही आतुर रहते हैं संक्री मौसी। मन की सच्ची बात तो यह है कि भगवान हमारे मन में ही निवास करते हैं। कम से कम तू तो इसे बढ़ावा मत दे यशोदा, जब देखो जब हरि नाम की रट लगाए रहते है, हरी बोलते बोलते ऐसो बावलो होता है कि सारा कार्य भूल जाता है। दो दिन से अपनी मटकी के लिए चक्कर काट रही हूँ। अभी तो एक चक्कर और लगाना होगा आपको। आपकी मटकी तैयार हो गई है, अभी लाता हूँ। लो जी मटकी। पर इसे तो मैंने भट्टी में पकाया था। अब तू ही देख ले कितना ध्यान रहता है इस कार्य पे, और कह तो है कि श्री हरि आते हैं इससे मिलने। हाँ आते हैं, और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने, और आके मोक्ष देंगे, है ना? मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे। अभी तो जे बता कि तू मुझे मेरी मटकी कब देगो? और मेरी मांग कब पूरी करोगे भोला राम जी? मेरो घड़ा मेरे दिए तो तैयार है ना, कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए। एकादशी का व्रत? हाँ एकादशी का व्रत, इसे करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा फिर तो अभी लाया। लो जी आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। जानकी फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी जे रे। सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ यशोदा, अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई? देखो ना मौसी, ये जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी की पूजा और व्रत आते ही यशोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है, ऐसो क्या होगा इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, क्या महत्व है इसका? लो जे तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया, पर हाँ भगवान मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्री हरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे, श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास।
प्रभु, न तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो है ही ना, श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ है? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको, ले अभी लेकर आती हूँ। ताऊ, आपने पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी चले। जानकी, तुमने ये व्रत करवाया है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमती जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहे है सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकती? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगा लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया। मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपनी लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया, व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना, मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों है? प्रभु, मुझे अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? श्री हरि,
आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव, तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी आधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर बहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। पर छोटी माँ, मूरा असुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम, पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहे हैं। अब पहुंच गए भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वही ठहर जाओ असुर राज मोरा। यहां क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ, युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। इस प्रकार जे युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो, दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हुआ हो? पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गौ लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए, वध कर दीजिए मेरा। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ विश्राम करो, यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण भद्रिका आश्रम चले गए और वहां हिमवत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो। अनेकों दिन बीत गए
और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठा के उनके कंदरा में घुस आयो ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं। राक्षस, प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया, तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ। मृत्यु देवी, कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वो ही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिद्धि और मोक्ष। इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भुला रहा, एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है। अरे
इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है, कुछ खा तो लो। नाना अभी बिल्कुल भूख ना है, और हाँ भगवान तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं किसी को भी दो शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। ठहर, मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ, व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है, रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी, श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में, अब क्या व्रत तुलवाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुलवाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया मैया, पहले व्रत तोड़ के कछु खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ बलराम, ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो, व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया, लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरी 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 मेरे हरी। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। नाना ये ठीक ना है। ठीक तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रही आपकी छड़ी, और ये रे मेरी पीठ। सिख देना ताकड़ तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो आज द्वादशी के दिन पहले प्रार में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है, और अभी थोड़ी ही देर में संकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला? ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए।
एकादशी के पहले प्रारंभ में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना माना जाता। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नेक पुण्य के काम करते थे वो। अपनी पत्नी के साथ रेखा नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो निर्जल पास कियो, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत वासती के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपने 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़े। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं, व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि, जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहां हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अमरेश बड़ी विरगता के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों के लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए मैं उनके लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज, भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज। पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खायो वैसी महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज, महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए।
मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। यो खाओ। कान्हा, बोलो गागा, सिगरेट छुपा लो, मुझे मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला गाका, किस सोच में पड़ गए? तिगरे छुपा लो मुझे। जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। जे तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। संक्री मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला गंगा, मुझे शीघ्र निकालो ना यहाँ से, मैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते, देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? शीघ्र निकालो ना भोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। प्रभु ततास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। ततास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु आप सच में अद्भुत हैं, मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया, मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो, आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा
पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ कि तू फिर से छल ना करेगो, फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई कर रहे है ना? हाँ आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंच रही हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है, ये बात ना तो भूला काका को पता थी ना संकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी सच तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा, वो तो मैंने इसे कभी सुनाई ही ना है, फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान है भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा। मैंने तो इन्हें पहचान लिया, और हाँ आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाए। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। बोला जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, जिस रास्ते को इतने जतन से संभाल के रखा था अरे वो सबके सामने खुल गया, और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे पर मैंने इतना मानी,
सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम में ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो पत्थर पे रेखा खींच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा, अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चल रहा है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना तो मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी, उस दिन जो वक्कासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ काना। बहाना नहीं दाओ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते, और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा काना। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो काना, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बोल रहा, तुम तो कह रहे थे कि काना तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ काना, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है, मुझे गौचारण ही बात प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सब के साथ चलोगे, पर दाऊ मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ काना, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ आप समझ क्यों ना रहे, मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ काना। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गोचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैया ही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाओ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दियो बलराम, लगतो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो दाऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से क्रय करके लाई है तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दाऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो।
छोटी माँ और छोटे पापा दोनों गोरे हैं और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था, बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है? मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत कर काना, स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे हो। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी काना। लग तो है ये कि बलन सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्ते में नन काकार यशोदा काकी इसके हाथ से क्रैक करके आए हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।